मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश पुलिस का कारनामा एक बार फिर सामने आया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का है, जहां राहगीरों से बंदूक की नोक पर चेकिंग की जा रही है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं पूछताछ और तलाशी के नाम पर पिस्टल और बंदूक की नोक पर तलाशी ली जा रही है। इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों से पुलिस ने चेकिंग की। बाइक सवारों को बंदूक की नोक पर रोका गया, दोनों हाथ ऊपर करके इनकी तलाशी ली गई। इसके बाद इन्हें जाने का मौका दिया गया। सड़क पर बंदूक पिस्टल की नोक पर चेकिंग की और ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बदायूं पुलिस सोशल मीडिया में लोगों के निशाने पर आ गई। दरअसल आम जनता के साथ इस तरह के गन पॉइंट पर चेकिंग से पुलिस की बड़ी फजीहत हो रही है। पुलिस वाले इस तरह से बंदूक लेकर खड़े हैं जैसे कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन हाथ लग गया हो। पुलिस वाले इस तरह से बंदूक ताने खड़े हैं, जरा से भी हिले तो अंजाम बुरा होगा। आम जनता से गन पॉइंट पर चेकिंग की गई, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब देख लें बदायूं पुलिस का ये नया कारनामा। जी हाँ, राहगीरों से किस तरह से गन पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है। ये चेकिंग SHO ललित भाटी और उनकी टीम ने की थी और इस मामले की जांच SP सिटी जितेंद्र श्रीवास्तव को सौंप दी गई है। जांच में अगर पुलिस वाले दोषी पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।